नमस्कार आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल ये वीडियो बहुत ज़रूरी था अभी अपलोड करना क्योंकि कल से जो ईडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है उसके बहुत सारे बच्चों के एम आई एस पोर्टल पर हॉल टिकट जनरेट नहीं हुए हैं उसको इसके लिए पहले भी मैंने वीडियो डाला था और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचाना और हर एक स्टूडेंट जिसका हॉल टिकट नहीं आया है या जिनका आ गया है उन तक ये वीडियो आप अभी शेयर कर दो जिससे कि वो सुबह और आने वाले जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है वो बहुत ज़रूरी है उन तक जानकारी पहुंचना देखिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि रियल टाइम में आपको अपडेट मिलते रहे अब आप देखिएगा मेरी मोबाइल स्क्रीन पर ये एक लेटेस्ट अपडेट आया है अभी डीजीटी भारत सरकार से दूरवार्ष पर हुई वार्ता के क्रम में आपको अवगत कराना है कि जिन प्रशिक्षणार्थियों या जिन स्टूडेंट के हॉल टिकट एलिजिबिलिटी संस्थान द्वारा भरा गया है किंतु एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल से हॉल टिकट प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का नवंबर बीस फरवरी इक्कीस मार्च इक्कीस में हॉल टिकट जनरेट हुआ था ठीक है एवं परीक्षा फल या रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ का कल दिनांक तेरह नौ दो हज़ार इक्कीस से प्रारंभ होने वाली परीक्षा के हॉल टिकट जनरेट नहीं होंगे अब आप यहाँ समझ लीजिए जिन भी बच्चों के नवंबर फरवरी या मार्च में हॉल टिकट जनरेट हुए थे उनके हॉल टिकट जनरेट नहीं होंगे ना ही ऐसे बच्चे प्रशिक्षणार्थी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे संपूर्ण परीक्षा समाप्त होने के उपरांत डीजीटी भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षा फल घोषित किया जाएगा पिछले एक महीने से मैं लगातार वीडियो लेके आ रहा था और मैंने ये बताया भी था कि एग्ज़ाम साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है आप रिजल्ट देख रहे हैं तो वो जुलाई उन्नीस ही का रिजल्ट बताता है तो उन बच्चों के यहाँ आप इस वार्तालाप का सीधा मतलब ये निकालिए वार्ता का कि जिन बच्चों के एन सी बी टी एम आई एस पोर्टल सर हॉल टिकट जनरेट नहीं हुए उनकी ना तो आप परीक्षा कराएं उन बच्चों की उनके मार्क्स अपलोड नहीं होंगे जब कॉपी चेक होने के बाद या प्रैक्टिकल के जो मार्क्स आप अपलोड करेंगे तो उनके मार्क्स भरे नहीं हो पाएंगे एन सी बी टी एम आई एस पोर्टल पर वहीं से रिजल्ट आता है वहीं से सब कुछ होना है तो क्लियरली डी जी टी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी बच्चों के एन सी बी टी एम आई एस पोर्टल सर हॉल टिकट जनरेट नहीं हुए हैं वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे कारण भी हमने पहले भी बताया था और फिर हमने बता दिया है कि हॉल टिकट एलिजिबिलिटी उनकी ऐस करनी नहीं थी लेकिन बहुत सारे जगह पर हमारे जिन्होंने दूसरे जो पोर्टल थे ईडी और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम फीस कलेक्ट करने वाला हर स्टेट का अपना पोर्टल होता है तो वहाँ पर हो सकता है कि बच्चा एलिजिबल सो हो लेकिन ये वाला अगर हॉल टिकट नहीं है बच्चे का जनरेट तो आप उसको परीक्षा में सम्मिलित ना करें ना वो बच्चा परीक्षा दे क्योंकि उसका जब बाद में समय सारणी जारी कर दी जाएगी इसके लिए एक एक्सल सीट भी जारी कर दी गई है डीजीटी द्वारा जैसा कि देखिए ये एक्सल सीट है ईडी और प्रैक्टिकल की इसमें दो सीटें हैं एक सेमेस्टर सिस्टम के लिए है एक प्रैक्टिकल के लिए है तो यहाँ पर पूरी लिस्ट बता दिया उन्होंने इस लिस्ट में जो बच्चे का नाम है आ, हो सकता है यहाँ पर भी नाम हो लेकिन अगर हॉल टिकट जनरेट ना हुआ हो तो ना बिठाएँ आप और यहाँ से आप चेक कर लेंगे कौन कौन से बच्चों को परीक्षा में आपको सम्मिलित करना है ये पूरी सीट है ये चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये सीट मांग सकते हैं यह आपको शेयर कर दी जाएगी लेकिन रिक्वेस्ट है कि जो आईटीआई आई संचालक प्रिंसिपल हैं वही ये सीट हमसे मांगे और हम स्टूडेंट को ये सीट शेयर नहीं कर पाएंगे आप अपनी संस्था के प्राचार्य को बोलें उनको हम ये सीट शेयर कर देंगे आडी आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ दोस्तों लगातार मेहनत करके जानकारी लेके हम आपको वीडियो के माध्यम से लेके आते हैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद